नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम विपुल और मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ, उन वीडियोस को बनाने के पीछे जो पर्पस है वो है आपको एक सलाह देना। उसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, जैसे आप जीना चाहें आप जी सकते हैं। हम अपने विचारों को आपके ऊपर बिल्कुल भी जबरदस्ती थोपना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मेरी आपके आपके लिए आती है तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत सोच समझ के चूज किया है, जिसके जो हमारी लाइफ का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज की डेट में आप देखेंगे कि हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं ये कहने के लिए कि हम मिडिल क्लास से हैं, पर एक्चुअली मिडिल क्लास क्या वाकई मिडिल क्लास है या वो पुअर क्लास है, ये जानना बड़ा जरूरी है। मेरा मानना जो है, जो मैंने अभी तक देखा है, जो पाया है, वो ये है कि जो मिडिल क्लास है एक्चुअली पुअर क्लास का ही दूसरा नाम है, क्योंकि मिडिल क्लास की सोर्स ऑफ इनकम बहुत छोटी सी होती है, लिमिटेड होती है। उसको गुजर बसर करने के लिए वो उस पूरी पूरी इनकम को कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में लगा देता है या ऐसी जगहों में खर्च देता है कि आखिर में उसके पास जब जरूरत के लिए सही मायनों में पैसा चाहिए होता है, वो उसके पास नहीं होता है। तो मिडिल क्लास एक्चुअल में आखिर में पुअर क्लास बन के रह जाता है, और हम बहुत प्राउडली बोलने लगे हैं कि हम लोग वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट क्लास एंड द मिडिल क्लास। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी बहुत कुछ ही महीने हुए हैं शायद, एक बहुत बहुत हो हल्ला मचा था इस चीज के ऊपर कि जो पैसा है वो वर्ल्ड के खाली 4% लोगों के पास है। जो डिस्पैरिटी है पैसे की वो 96 वर्सेस 4% है। हम लोगों ने इसके ऊपर खूब शोर किया, खूब हम लोगों ने डिस्कशंस की, खूब व्हाट्सएप किया, खूब यूट्यूब किया हम लोगों ने, पर क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि वो जो 4% लोग हैं वो हैं कौन? क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है कि 4% पैसा पूरे वर्ल्ड का खाली उन लोगों के पास है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या खाली जो पूंजीवादी लोग हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, 4% लोगों में जो लोग आते हैं उनमें गवर्नमेंट्स भी शामिल होती हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बड़े घराने भी हैं, बड़े कॉरपोरेट्स भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं। पर देखिए, वो पैसे वाले बनते कैसे हैं? और हम जो 96% में रह गए हैं, वो 96% में इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनकी सोच में और हमारी सोच में एक बहुत छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। उनकी सोच हमेशा ये कहती है कि मेरे पैसे को मैं पैसा कमाने के लिए कैसे भेजूं, और 96% लोगों की जो सोच है वो ये कहती है कि मैंने जो कमाया है ये जल्दी से इसको बचा कैसे लूं, मैं कहीं दबा दूं, कहीं खजाने में तब्दील कर दूं, इसको तिजोरी में दबा दूं, या जल्दी से जल्दी खर्च लूं और कहीं मेरा पैसा मेरे हाथ से चला ना जाए। इसलिए हम लोग 96% की उस श्रेणी में रह जाते हैं, जबकि वो 4% लोग जो आपका पैसा आप ही को वापस ब्याज पे देते हैं, आप ही का पैसा, बैंक क्या करते हैं, बैंक आप ही का पैसा आपसे लेते हैं, और जब आपको पैसा लोन चाहिए होता है तो आप ही का पैसा आपको ब्याज पे दे दिया जाता है। आगे वाली वीडियोस में हम ये भी कवर करेंगे कि एक्चुअल में ये सब चीजें क्या हो रही हैं, वो 4% लोग कैसे अमीर बने हैं। बट आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हमने चूज किया है कि अगर इन सब चीजों के पीछे देखिए एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग पुअर या मिडिल क्लास में रह जाते हैं, वो है पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जो हमारे पास फाइनेंस आता है, जो पैसा हमारे पास आता है, हम उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसके लिए आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और हम डिस्कस करने वाले हैं कि पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं, जो क्या क्या खामियाजा हैं जो हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो जीवन में अगर हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है तो क्या क्या दिक्कतें हमारे साथ आ सकती हैं? देखिए, एक दिक्कत है जो हम सब जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच में बैठे हुए हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि रिच क्लास में चले जाए, वो है पैसा। पैसा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बेड़ियां जो हमारे पैरों में जकड़ने वाली हैं, हमें जो हमें कुछ भी नहीं करने देंगी, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देंगी, वो है कर्जा। दोस्तों, कर्जा किसी भी तरह का हो सकता है, कर्जा एजुकेशन लोन हो सकता है, कर्जा बच्चों की शादी के लिए आपने लोन लिया हो सकता है, या कर्जा आपने मकान लेने के लिए, होम लोन जिसे हम कहते हैं, सब कर्जा है। आप गाड़ी लेते हैं वो कर्जा है, हर तरह का छोटा या बड़ा क्रेडिट कार्ड आपने लिया उसका पैसा नहीं दे पा रहे, वो एक कर्जा है। बहुत तरह की चीजें होती हैं जो कर्जे में आती हैं। देखिए, कर्जा एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के पुअर होने का सबसे बड़ा परिणाम है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले कर्ज में डूब जाएंगे, और उस कर्ज से निकलने के लिए आपको क्या नहीं करना पड़ेगा आप खुद समझ सकते हैं, और क्या करना चाहिए आपको नहीं पता होता है। आप हमेशा जिंदगी में वो करते चले जाते हैं जो हमें और कर्जे में डालते चला जाता है। दोस्तों, कर्जे के अलावा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम और परेशान होने वाले हैं,
हम लोग जैसे कमाना शुरू करते हैं, हम 20 22 23 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, 60 साल की हमारी रिटायरमेंट की एज होती है, ठीक है। जिंदगी भर हम अपने लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उनको एजुकेशन देने में लगे रहते हैं, गुजर बसर करने में लगे रहते हैं, पर आखिरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान करना भूल जाते हैं। दोस्तों सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग से होने वाली है वो है कि जब हम 60 बरस के होंगे, जब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने बच्चों के ऊपर, उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं होगा। और आज की आप आज की स्थिति देखिए कितनी मतलब दयनीय और दर्द भरी स्थिति हो गई है कि आज देखेंगे कि लोग अपने बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास अब उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरीके की जिंदगी जिए कि जब आपको आपके बच्चों का प्यार चाहिए, आपके बच्चों का पैसा चाहिए, आपके बच्चों का आशीर्वाद चाहिए, आपके बच्चों का साथ चाहिए, तब आपके बच्चे आपको छोड़ दें सिर्फ इस वजह से कि आपके पास पैसा ना हो? ये सब पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग के ही नतीजे होने वाले दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपने को सोचिए समझिए, गूगल कीजिए। गूगल की आज क्रांति आ रखी है, इंटरनेट रेवोल्यूशन है, आप इंटरनेट पे कुछ भी देख सकते हैं, कहाँ का पैसा लगाया जा सकता है, कैसे कैसे छोटे छोटे रिस्क उठा के अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पैसा बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है, बशर्ते थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क खाली उतना ही है जितना आप घर से निकल के अपने ऑफिस जाते हैं, आप घर में वापस जिंदा पहुंच जाते हैं, सही सलामत पहुंच जाते हैं, वो भी जिंदगी का एक रिस्क है। तो इसलिए पैसे का भी थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। उस रिस्क भरे पैसे को अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को आप एनालाइज करने में सक्षम होते हैं, या आपको कोई ऐसा एडवाइजर है जो आपको बता सके कि इस रिस्क का रिवार्ड क्या हो सकता है, और फिर आप सोचिए समझिए, अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, आपको पता लगेगा कि आपका पैसा ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है, तो आपके रिटायरमेंट में आप किसी पर आश्रित ना हो। इसलिए आपको आज से और अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छा करना पड़ेगा। तीसरी चीज है दोस्तों, देखिए अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है, बहुत सही नहीं है, तो हम क्या है आज की डेट में समाज को देख के हम भेड़ चाल में पड़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सामने वाले के पास अगर गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, चाहे मेरी पॉकेट उसको अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, मैं गाड़ी लेने के लिए भागने लग जाता हूँ। गाड़ी अगर नहीं मिलती है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर मैं पहले पॉइंट पे जो हमने कर्ज की बात की थी, मैं कर्जे में चला जाऊंगा उठा के। जब कर्जा लेने की मेरी आदत खराब हो जाएगी, उसको चुकाने के लिए मैं ईएमआई देता रहूंगा, अगर किसी दिन मेरी जॉब चली गई तो मेरी ईएमआई रुक जाएंगी, ईएमआई रुक जाएंगी तो मेरा सिविल खराब हो जाएगा, सिविल खराब हो जाएगा तो मुझे कोई टाइम पे जब मुझे कर्जा चाहिए मुझे कर्ज नहीं मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन चाहिए मुझे एजुकेशन लोन नहीं मिल पाएगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी पुअर है, मुझे नहीं पता कि मैंने पैसे को कैसे बचाना है, कहाँ कहाँ बचाना है, कहाँ कहाँ उसको निवेश करना है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा पैसा ग्रो कर सके, तो इसलिए टाइम टू टाइम मैं अपने खर्चे अपनी पॉकेट से ज्यादा करने लग जाते हैं। और जब पॉकेट से ज्यादा खर्चे होने लगेंगे, कमाई से ज्यादा खर्चे होने लगेंगे, वो देखिए दोस्तों बड़ा आप तो बोल रहे हो कि मैं कमाई से ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है, कमाई से ज्यादा खर्चा सिर्फ और सिर्फ कर्जे से हो सकता है। आप दोस्तों से उधार लें, किसी और से उधार लें, क्रेडिट कार्ड से उधार लें, बैंक से उधार लें, लोन लें, पर्सनल लोन लें, एजुकेशन लोन लें, प्रॉपर्टी लोन लें, कुछ भी लोन लें, किसी भी तरह का लोन लें, वो एक कर्जा है। कर्जा हमेशा एक देनदारी होती है जो एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है लाइफ में। इसे दोस्तों अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी पुअर है तो आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं होगा तो आपके साथ और भी दिक्कतें आने वाली हैं। दोस्तों एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ जिंदगी में खड़ी हो सकती है अगर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है। तो देखिए आज की डेट में आप देखेंगे कि बीमारी कभी भी बता के नहीं आती। आज की डेट में ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां आप सुनने में आ रही हैं जिनके बारे में लोग बात करना तक पसंद नहीं करते। सबसे घातक और खतरनाक तरीके से फैलने वाली बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर क्यों फैल रहा है वो सब जानते हैं हम, टोबैको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारा खाना आज बहुत अच्छा नहीं है, सब चीज़ें एडल्ट्रेटेड हो गई हैं, सभी चीज़ों में एडल्ट्रेशन है, सब्जियां अच्छी जगह से नहीं आ रही हैं, हमारी दालें अच्छी नहीं आ रही हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हम जो सांस ले रहे हैं पोल्यूशन इतना है, वो एक बड़ी वजह होती है। खाली कैंसर ही नहीं, आज की डेट में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर और लीवर फेलियर, किडनी फेलियर कितना कॉमन हो गया लोगों में, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं। अगर आपको नर्क देखना है, अगर आपको परेशानियां देखनी है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए दोस्तों, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं कि नर्क में रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बीमारी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो बिना बताया आता है, जिसके लिए आप कभी भी तैयार नहीं होंगे अगर आपके पास आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने केस सुना था फोर्टिस हॉस्पिटल का, जहां पे हमने देखा डेंगू का 18 लाख का बिल बना दिया गया। अगर मान लीजिए वो 18 लाख का बिल पे करने वाला मैं आप होते तो क्या हम दे पाते? अगर हम मिडिल क्लास से हैं कभी नहीं दे पाते, तो क्या हम अपने बच्चों का या अपना खुद का इलाज करा पाते? कभी नहीं करा पाते। फाइनेंशियल प्लानिंग का बेहद
अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से मीट आउट करना है, इनको फाइट आउट करना है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। एक और सबसे बड़ी चीज है लाइफ में, देखिए हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है दोस्तों, हमारे बच्चे। हम चाहते हैं, हर माँ बाप ये चाहता है कि जो जिंदगी मैंने नहीं जी वो मेरे बच्चे जिए, जो एजुकेशन मैंने नहीं ली वो मेरे बच्चे ने, जिस अच्छे कॉलेज में मैं नहीं पढ़ा मेरे बच्चे पढ़े, जो हायर एजुकेशन मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे करें। कैसे करेंगे आप? कोई भी चीज चैरिटीज नहीं होती, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मार्केट, एवरीथिंग इज पेड, हर चीज की कीमत है, अच्छी चीजों की अच्छी कीमत है, ज्यादा कीमत है। ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि आपको महंगे से महंगे कॉलेज में एडमिशन कराना तभी आपके बच्चे को अच्छे एडमिशन मिल पाएगा या अच्छे आपके मार्क्स आ पाएंगे, ऐसा नहीं है। पर हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, हर बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो आप सब जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गैर सामाजिक तत्व ऐसे हैं जिसकी वजह से जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं वो कहीं कुछ नहीं जा पाते हैं, और जिनके मार्क्स कुछ नहीं आते हैं वो उनको बहुत कुछ मिल जाता है। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा आज की डेट में, बट मैं आपसे, आप चाहे किसी भी श्रेणी में रहते हैं, आप निम्न श्रेणी में, उच्च श्रेणी में, आप जनरल कैटेगरी में, आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में हैं, आप एक इंसान हैं, उससे पहले किसी भी कैटेगरी में होने से पहले आप एक इंसान हैं। और इंसान अगर अकेला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ गवा रहा है, किसे खर्च, किस पे खर्च कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक परिवारवादी इंसान हैं, आप एक परिवार को आपने बड़ा किया है, आप एक से दो हुए, आप दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, आपकी जिम्मे में बच्चे आ गए हैं, तो उनको एक अच्छी एजुकेशन देना, एक अच्छी लाइफ देना, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना आपका फर्ज है दोस्तों, और आपको करना ही पड़ेगा। पर अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है तो क्या आप कभी अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे? नहीं। आपके बच्चों का एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और आप फिर रिग्रेट करेंगे कि आपके बच्चों को वो तो आप दे ही नहीं सके जो आप देना चाहते थे। कभी कभी आपको ये भी अफसोस होगा देख के कि आपके बच्चे आपसे भी खराब जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप ऐसे मामा बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है शायद आप ये सब चीजें नहीं खाना चाहते हैं। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके, उससे बातचीत करके आप देखें कि अपने पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। खाली पैसे को बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले वीडियोज में दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या निवेश करना चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, किस चीजों में क्या क्या चीजें, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल सकता है, क्या रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकती हैं, कितना रिस्क है, कितने रिवार्ड है उसमें, वो सब चीजें आने वाले वीडियोस में हम देखते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो आप इसको खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।